दादाजी, उनकी दादी जी और उनके पिताजी ने जिस तरह 50 साल तक इस देश पर राज किया और देश का विकास नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि उनको माफी यात्रा निकालना। नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें ये अभियान भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है कि अपने घर के बगल में जितने भी आसपास के मंदिर है उनमें सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपको में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खाजापुरा स्थित शिव मंदिर में साफ सफाई करते हुए नजर आए। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सम्राट चौधरी साफ सफाई करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कांग्रेस पर भी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, इसी पर उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालने की जरूरत है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे सम्राट। चलिए लगाइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जितने भी मंदिर हैं सबका सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है और इस प्रदेश में भी 45,000 गांव और लगभग 350 नगर निकाय सभी जगह जितने मंदिर हैं 2,00,000 से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे और 22 को भव्य राम मंदिर की पूजा हो उसकी पूरी कल्पना मंदिर के माध्यम से ही हम लोग देखने का काम। आज राहुल गांधी पूरे देश भर में यात्रा पे निकल रहे हैं। निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जिस तरह उन्होंने बिहार में पहले लालू प्रसाद जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त किया ऑर्डिनेंस फाड़कर, उसी तरह कल नीतीश कुमार जी का ये आरोप लगा के कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, संयोजक नहीं बना सकते, तो ये तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का समाजवादियों को लगातार एक तरह से बर्बाद करने का काम किया जाता है। कुछ नीतीश कुमार जी के पास कुछ चारा बचा है सर? अब वहाँ पे जिस तरह से ना रहे ये हम नहीं जानते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादियों को मुक्त करना चाहती है राजनीतिक तौर पर। लालू प्रसाद जी को भी राजनीतिक तौर पर से समाप्त किया और नीतीश कुमार जी को भी संयोजक नहीं बनाकर कि ममता बनर्जी नहीं तैयार है, ये पूरे देश को संदेश दिया। उनके दादाजी, उनकी दादी जी और उनके पिताजी ने जिस तरह 50 साल तक इस देश पर राज किया और देश का विकास नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि उनको माफी यात्रा निकालना। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को नसीहत दे दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के पापा और दादाजी 50 सालों से इस देश पर राज किए हैं फिर भी इस देश की ये स्थिति है, तो ऐसे में राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालने की जरूरत है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।